हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मैकेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जो टाटा हैरियर है इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, डिटेल रिव्यू लेंगे और प्राइसिंग जानेंगे और कैसे गाड़ी बेहतर है ये भी जानेंगे। आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है टाटा की हैरियर, जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 13.84 लैक्स एक्स शोरूम से, 20.30 लैक्स तक जाती है इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत। इसका अगर टायर साइज आप देखेंगे तो इसका टायर साइज है 235/65R17 है। इस गाड़ी की जो क्या कहते हैं, इसमें डीजल इंजन ऑफर होता है। डीजल इंजन मिलता है आपको 2 लीटर जो 170 हॉर्स पावर देता है, 350 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। इसके साथ आपको ऑटोमेटिक मैनुअल गियर बॉक्स की दोनों के ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप रियर में देखेंगे ग्लॉस ब्लैक की फिनिश मिलेगी, LED टेल लाइट्स मिलेंगी, आपको रियर कैमरा मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट में। टॉप एंड वेरिएंट है रेड, डुअल टोन है कलर ये। अगर आप इस गाड़ी के नीचे देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। मैं नीचे लिख दूंगा ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है इस गाड़ी की। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक्स में। गाड़ी ओवरऑल देखने में बहुत ही मस्कुलर लुक्स में आती है, बहुत ही डैशिंग लुक्स है। रेंज रोवर प्लेटफॉर्म पे बनी है। इसमें जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आपको लो बीम के साथ LED मिलेगा, पर वही आपको हाई बीम पे येलो बल्ब मिलेगा। फॉग लैम्प्स इसके LED हैं, बस जो हाई बीम का बल्ब है वो येलो होगा। और अगर रेयर की बात करें, रेयर में आपको जो रेड स्टॉप लाइट और लाइट मिलती है, रेड लाइट, वो LED मिलेगी, पर जो आपका इंडिकेटर और रिवर्स कैमरा वाली लाइट होगी वो आपको वाइट मिलेगी, जो बल्ब होगी LED नहीं होगी वो। एक बार आप इसके इंटीरियर लुक ले लीजिए। ये टॉप एंड मॉडल है, ऑटोमेटिक का टॉप एंड मॉडल है, डुअल टोन रेड कलर में है। अब इसकी लुक ले लीजिए इंटीरियर की कैसी लुक्स है, फिर हम डिटेल में आगे बात करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा और जो बाकी लेफ्ट में डिस्प्ले है, टैकोमीटर है, वो आपको डिजिटल मिलेगा। मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग मिलेगा। राइट साइड में देखेंगे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। सेंटर कंसोल में आपको टच स्क्रीन मिलेगी जो कि रिस्पॉन्सिव है, अच्छी है, जो पहले BS4 वेरियंट था उससे थोड़ी अच्छी लगती है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है इसमें। आप गाड़ी को आगे चलाते हुए भी रिवर्स कैमरा देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें सेटिंग में जाना हो तो आपको इसमें अलग अलग तरह की सेटिंग मिल जाती है। और इसके अंदर हाँ, JBL का सिस्टम लगा हुआ है, JBL का स्पीकर और सब ऊपर दोनों मिले। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, जो इसका जो बॉक्स है इसमें इनफ स्पेस है, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, इनफ है। जो मिरर है आपकी साइड पर नहीं मिलेगा, वो पैसेंजर साइड पर मिलेगा। ऑटो डिमिंग ORVM है इसका। इसमें पेनारोमिक सनरूफ मिलेगा जो आपको टॉप एंड में ही मिलेगा, उससे नीचे मॉडल्स में भी मिलेगा पर पेस में नहीं आया वो। पेनारोमिक सनरूफ बहुत ही अच्छा व्यू देता है, मेनली रेयर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यू आता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी थी। BS4 में ये पेनारोमिक सनरूफ नहीं आता था, जो कि 170 PS जब पावर बढ़ाई है तो उसके साथ पेनारोमिक सनरूफ दे दिया गया है। ऑल लेदर सीट्स हैं, 6 एयरबैग्स है इसके अंदर, सेफ्टी पूरी है। अभी भारत NCAP या फिर ग्लोबल NCAP इसकी सेफ्टी टेस्ट रेटिंग निकालेगा तो इसे हमें पता चल जाएगा कि 5-स्टार रेटेड है कि नहीं, पर लगता है 5-स्टार रेटेड है। ये ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ जो 170 PS की पावर निकालता है। MID कंट्रोल्स और म्यूजिक कंट्रोल्स आपको यही मिल जाएंगे। MID पे आप फ्यूल इकोनॉमी, पावर, टॉर्क, सेटिंग्स देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं आप, डिस्प्ले ओडोमीटर के कंट्रोल देख सकते हैं, आपको पार्किंग, रिवर्स, वो सब कुछ मिल जाएगा। टैकोमीटर के पास फुल डिजिटल डिस्प्ले है, जो स्पीडोमीटर है बस वही एनालॉग है। तो अब चलते हैं रेयर सीट पे। ये 4600 mm लेंथ वाली गाड़ी है, विड्थ इसकी 1900 mm है और हाइट 1700 mm है। इस लेंथ में आपको लेग रूम की दिक्कत होएगी ही नहीं, 5 सीटर गाड़ी है, पैनारोमिक सनरूफ का पूरा मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा डैशबोर्ड है। स्टेयरिंग मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, पर कई लोगों को ये स्टेयरिंग पसंद है। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की स्पेस मिलेगी, आगे आपको मैगजीन होल्डर भी मिलेगा, 6 एयरबैग्स का वेरियंट है। LED आपको मिलेंगी, जो लाइट्स होती है कार के अंदर वो पूरी LED मिलेंगी। अगर आप
स्पेस की बात करें तो बहुत ही खुली डुली कार है, बहुत ही बड़ी कार है। छोटा सा हम बीच में दिखेगा पर छोटा है, चल जाएगा। अच्छी विड्थ है गाड़ी की, आप पांच पांच बंदे टोटल गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। आर्म रेस्ट की पोजीशन ठीक लगी मुझे। अगर आप बात करें स्पेस की तो हाँ, वहाँ पर आपको होल्डर भी मिल जाएगा और बॉटल होल्डर दोनों मिल जाएगा। फ़ोन भी रख सकते हैं वहाँ पर और बॉटल्स भी रख सकते हैं, ऐसे ही दोनों साइड मिलेगा आपको। जो एसी वेंट्स है वो पिलर्स पर दिए गए हैं, पीछे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी, पर यहाँ पर आप, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप स्टोर मत करना। और चेयर बैग्स का वेरियंट है, व्यू ज़बरदस्त मिलेगा आपको यहाँ पर। हुड ओपन करके अब इसका इंजन दिखा देते हैं आप। 170 PS का 2 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन है ये, जो कि आप देख रहे हैं। आप इसका एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है। इंसुलेशन आपको मिली हुई है बोनट पे और दिखने में बहुत ही मस्कुलर लगती है। तो अब आपको JBL की स्पीकरों की आवाज़ सुना देता हूँ, तो सुनिए। तो दोस्तों ये था आज का टाटा हैरियर का रिव्यू। इसकी प्राइसिंग ब्रैकेट बहुत ही अच्छी रखी गई है कंपनी ने। अगर 1-2 लाख और कम कर देती है तो ये बहुत सेल होने लग जाएगी। इसकी सेगमेंट की एक कार है जो कि हेक्टर है, जो इससे ज़्यादा सेल होती है, पर मेरे हिसाब से ये गाड़ी ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाती है। जो कि जीप कंपस इस सेगमेंट की सेम कार है, सेम इंजन के साथ आती है, पर उसका जो प्राइस ब्रैकेट है ज़्यादा हो जाता है, 25 लाख तक चली जाती है। कंपस एक अच्छी कार है, पर अगर आपका प्राइस रेंज आपकी 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख तक है तो आप इसका टॉप एंड ले सकते हैं 20 लाख। और क्रेटा सेल्टोस की जगह मैं चाहूँगा कि आप ये लें अगर आपको डीजल कार लेनी है, क्योंकि ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छी प्रोफाइल SUV लगती है ये, स्टांस के साथ, SUV स्टांस के साथ लगती है। ऊंची गाड़ी और बड़ी डायमेंशन के साथ कार है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आपको कौन सी कार का रिव्यू चाहिए, वो ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों एक वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय। Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me.